नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आपके दुश्मनों की आंखों से अब आंसू नहीं रुक पाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसी करनी वैसे ही भरनी होती है। दोस्तों, अब आपका दुश्मन गधे की जैसे सड़कों पर घूमता हुआ नजर आने वाला है। बस आप लोगों को इन 24 घंटे में कुछ खास उपलब्धियाँ करनी है, जिसमें आप लोगों को नई युक्तियों की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ ही साथ आपको बता दें, लोगों से भी जुड़ना आप लोगों को बहुत पसंद है, तो किसी के कहने पर अपने जीवन के जीने के तरीके पर रोक टोक ना लगाएं, नहीं तो दोस्तों आपकी हालत बहुत बुरी हो सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दूं, अच्छे योग भी बने हैं जो आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरियां भी दिलाएगा। इसलिए अगले 24 घंटे के भीतर यह काल सर्प योग आप लोगों के जीवन में ऐसे बड़े चमत्कार करेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और ना ही कोई कल्पना की होगी। इंसान को कर्मों के परिणाम किसी न किसी रूप में अवश्य ही मिल जाते हैं। और दोस्तों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन दोस्तों कर्मों का क्रेडिट आपको ही मिलेगा। जो लोग अच्छे काम करते हैं उन्हें अच्छा फल मिलता है दोस्तों, और जो लोग बुरा कर्म करते हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें बुरा फल मिलता है, लेकिन कर्मों का परिणाम मिलकर ही रहता है। दोस्तों, अगले 24 घंटे के भीतर आपकी कुंडली में काल सर्प योग आपको धनवान बनाने वाला है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको वो कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां आपके हाथ लगने वाली हैं, जिससे आप पूरे आंगन में नाचने लग जाओगे, और दोस्तों किस प्रकार एक दूसरे को भी मिठाई बांटोगे। कौन से बड़े परिवर्तन, कौन से बड़े बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं, आज इसी के ऊपर इस वीडियो में बताने वाले हैं और एक एक जानकारी आपके साथ विस्तार से शेयर करने वाले हैं। सभी जानकारी ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी का स्मरण अवश्य करें। या दोस्तों, आप उस भगवान का स्मरण करिए जिन्हें आप सच्चे मन से अपना इष्ट मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऊपर वाले परमात्मा का एक निराला खेल शुरू होगा, और दोस्तों आप लोगों को नई उपलब्धि मिलेगी, आपकी राशि के जातकों को मालामाल कर सकता है। अपनी दोस्ती को प्राथमिकता दें। आज आपको ये संदेश मिलेगा कि ये धन खुशियों की चाबी नहीं है। कार्यों में आपकी योजनाओं के चर्चे होंगे और आप सभी क्षेत्रों में प्रांगणता दिखाएंगे। दोस्तों, आप अपने स्तर को उच्च बनाए रखें ताकि आपकी सभी चिंताएं दूर हो जाएं। जब सारा संसार कहता है कि हार मान लो, तब उम्मीद आपसे कहती है कि एक बार और कोशिश करो। आप अपना आत्मविश्वास और मनोबल बनाए रखें, इससे आप अस्त व्यस्त दिनचर्या को व्यवस्थित कर पाएंगे। कहीं पूंजी निवेश करने की योजनाएं बना रहे हैं तो तुरंत अमल कर दीजिए। घर संबंधी कार्यों में भी कुछ समय व्यतीत होगा। आलस और लापरवाही की वजह से आप अपने कार्य को डालने की कोशिश ना करें, खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की बातों में आकर आप अपने लिए नुकसान कर सकते हैं। दुविधा की स्थिति में शांतचित तरीके से हल निकालने का प्रयास करें। बिजनेस की व्यवस्था रखने में आप सक्षम रहेंगे। कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों की नौकरी में बदलाव संबंधी मौके मिले तो तुरंत ले लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन व्यवस्थित और खुशनुमा रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखना बेहद जरूरी है। कब्ज और गैस की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो सकती है। आप अपने खान पान को बहुत अधिक संतुलित रखिएगा। परिवार के लोगों के साथ में कुछ समय व्यतीत करें व धन को कैसे संचय किया जाता है ये जरूर सीखिए, जो आपके भविष्य में काफी काम आएगा। ऐसी बुरी योजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाए। आपको अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए आज भी आप कई बार सोच सकते हैं, लेकिन बाकी दिनों की तरह आज का प्लान धरा का धरा रह सकता है। लोगों के बीच रहकर सबका सम्मान करना आपको आता है, इसीलिए आप भी सबकी नजरों में अच्छी सभी बना पाते हैं। नौकरी कर रहे जातक नौकरी में तरक्की पाकर खुश नजर आएंगे। बेरोजगार लोगों को अच्छा रोजगार मिलने के योग बन रहे हैं। जो लोग समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं उन्हें और अधिक कार्य करने का मौका मिलेगा।
अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा। जैसा आप चाहते थे, परिवार में मांगलिक कार्यक्रम में आयोजन होगा। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करने में कामयाब रहेंगे। आपके पिताजी आपके व्यवसाय में कुछ धन भी खर्च करेंगे। जीवन साथी के द्वारा आपको कोई उपहार मिलेगा। लव लाइफ आपकी खुशियों से भरी रहेगी। करियर के मामले में आपके राशि वाले लोगों के लिए आज का दिन व्यापारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करवाने वाला होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी और निवेश में बेहतर ऋण लाभ प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र पर काम करने के मामले में भी दिन अच्छा बीतेगा और आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होती रहेगी। किसी अन्य काम में निवेश किया जा सकता है। नौकरी पेशा वर्ग में कुछ कर्मचारियों पर नगद लेन देन के अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं। गर्दन और कंधों में दर्द हो सकता है। धीमी गति से गर्दन घुमाने हेतु व्यायाम करना लाभकारी होगा। आराम करें और आराम के बाद आप अपना काम करें। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा होगा। भाई बहनों के साथ आपसे प्रेम बना रहेगा और आप अपनी दिनचर्या में भी यदि किसी बदलाव को करने के लिए सोच रहे थे तो इससे आपकी काफ़ी काम लटक सकते हैं। आप किसी काम की पूरी जानकारी मिले बिना उसमें हाथ भी ना डालें। जल्दबाजी से आपका कोई काम बिगड़ सकता है। आपको अपने मन में आज सकारात्मक विचारों को रखना होगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारण इसका समाधान करें। बीते समय में आपने बहुत पैसा खर्च किया है जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ेगा। आज आपको पैसों की ज़रूरत होगी लेकिन वह आपको नहीं मिल पाएगा। शाम का ज़्यादातर समय मेहमानों के साथ बीतेगा। आपका प्रिय आपको खुश करने के लिए कुछ खास करेगा। यदि आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। आपका आकर्षक और चमकीय व्यक्ति कोण सभी के दिलों को अपनी तरफ खींच सकता है। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। प्यार और परिवार की बात की जाए तो दोस्तों पिता या पिता जैसा कोई आपका मार्गदर्शन करेगा जिससे आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। आप अपने प्रिय के लिए अपने मन में जो प्यार भरा है वे आप व्यक्त कर सकते हैं। ये लम्हे आपके लिए अनमोल हैं, इन्हें जरा संभाल कर रखिएगा। दोस्तों कुल मिला के दिन आपका अच्छा रहने वाला है। खुद की देखभाल करने में सक्षम और आप लोगों को अपना कार्य खुद ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा करने में आप लोगों को अपने सभी सपनों से एक दूरी सी बना ली है और दोस्तों इस कार्य को आप अपने दिमाग और आत्म के स्वास्थ्य पर विकास में बाधा पहुंच सकती है। इसलिए दोस्तों आप अपने आसपास के लोगों से मिलने जुलने की कोशिश करें। आप ऐसा जीवन में जी रहे हैं इसके बारे में दोस्तों काफ़ी राय जानने की भी आप कोशिश करिएगा। देखिए दोस्तों सितारे कहते हैं कि आज आपका बदलता हुआ मूड रहने वाला है। दोस्तों आप खुद भी यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस स्थिति को किस प्रकार से बदलें। आपके इस प्रकार के व्यवहार से दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी और उलझन में रहने वाले हैं। फिर भी दोस्तों किसी भी स्थिति में ईमानदार बने रहें क्योंकि इसी से ही आप लोगों को अपने लक्ष्य पूरे करने में मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको राशिफल अच्छा लगा होगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।